हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योग मेडिटेशन के साथ पर्यटन पर्व आरंभ। राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से सोमवार को योग मेडिटेशन के साथ पर्यटन पर्व की शुरुआत हुई। पर्यटन पर्व के तहत 27 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन उपनिदेशक भानु प्रताप ने बताया कि सोमवार को सुबह रामानुज कोट मंदिर फतेह सागर में योग मेडिटेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देशी विदेशी सैलानियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में योग क्रियाओं के बारे में बताया गया। योग प्रशिक्षकों ने बताया कि योग से तनाव को दूर किया जा सकता है। पर्यटन उपनिदेशक भानु प्रताप ने बताया कि 25 सितंबर को पर्यटन पर्व के तहत दौलत खाने चौक में राजस्थान की आन बान शान कहे जाने वाले साफा को विभिन्न प्रकार से बांध कर दिखाया जाएगा। साथ ही दैनिक जीवन में साफा के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 26 सितंबर को मंडोर गार्डन में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत सुबह 6:45 से 7:45 तक सफाई अभियान चलाया जाएगा। 27 सितंबर को सूर्य की पहली किरण के साथ बैंड वादन का कार्यक्रम प्रातः 5:45 से 6:45 तक के लिए आयोजित किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के साथ साथ सन टू इनली अवन एसोसिएशन के साथ मेहरानगढ़ म्यूजिशियन ट्रस्ट का विशेष सहयोग रहेगा। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।